नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो आलमिक समय। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, ढोटो के विषय में बताने वाला हूं। दोस्तों यह ढोटो एक बेल लता होता है जो हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र में अक्सर पाया जाता है, जंगलों में भी पाया जाता है और नदी नाले के किनारों में भी पाया जाता है। यह किसी भी झाड़ियों में चढ़ा रहता है और बहुत ही लंबी लंबी इसकी लताएं होती है जो कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे तक पेड़ों में चढ़ जाती है। और ज़मीन में जैसे रहता है तो पूरे अपने इधर उधर आसपास के एरिए ज़मीन को पूरी तरह से घेर लेता है और पूरे वहां पे ज़मीन में छा जाता है। एक प्रकार से कह लीजिए यह रेंगने वाला पौधा है, रेंगने वाला बेल लता है, ज़मीन को पूरी तरह से छा देता है। जहाँ भी होता है यह पूरी तरह से ज़मीन को घेर लेता है। तो इस तरह से इसकी जो लताएं होती है वो इस तरह से बिखरी हुई रहती हैं दोस्तों, आप देख सकते हो और पहचान सकते हो। और इसकी जो कंद होता है वो बहुत ही अचूक औषधि के रूप में कार्य करता है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी जो कंद होता है, इसकी जो जड़ होता है ना, उसके अंदर कंद होता है, आप खोदोगे तो कंद निकल जाएगा, आप निकाल सकते हो खोद के कभी भी ज़रूरत पड़े तो आज पहचान के इसके कंद के बारे में औषधि गुण जान लीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को इसके कंद की जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की वनस्पति विज्ञान जानना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करके रखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी जो मेरे पास है उसको आप लोगों को पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसकी जड़ में जो कंद होता है उस कंद को यदि आप गाय भैंस बैल को खिलाते हो तो उनको तो उनकी दूध देने की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। जो गाय बैल भैंस दूध कम देते हैं या फिर नहीं देते हैं उनको हफ्ता में दो बार खिला दो, उनकी दूध देने की मात्रा बढ़ जाएगी, उनकी दूध ज़्यादा आने लगेगा। दोस्तों इस ढोटो को हमारे देहात छत्तीसगढ़ी भाषा में, स्थानीय भाषा में ढोटो नार के नाम से जानते हैं। और इसके जो फल होता है वह अंगूर की तरह गुच्छों में फल लगता है, इसलिए कहीं कहीं से जंगली अंगूर भी बोला जाता है। तो आप लोग अपने क्षेत्र में क्या नाम से जानते हो हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसके जानकारी की ओर। तो इसके जो कंद होता है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। जैसे इसके कंद को खोद के निकालोगे तो उस कंद को आप किसी भी श्वास रोगी को दही में मिलाकर खिलाओगे तो उसकी श्वास रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो दोस्तों इस तरह से श्वास रोगी के लिए यह अमृत बन जाता है जब आप इसको दही में उसे पीस करके पिलाओगे। तो दोस्तों इसके और प्रयोग जान लीजिए। इसके जो कंद होता है उसको यदि आप महीन चूर्ण पीस करके उसका पेस्ट बना करके हल्का गुनगुना करके कहीं भी दर्द वाले स्थान पर लगाते हो तो दर्द ख़त्म हो जाता है, सूजन ख़त्म हो जाता है, अंडकोश की जो जन होता है उसको भी आसानी से मिटा देता है। अगर आप इसके पाउडर करके इसके चूरन को दूध के साथ प्रतिदिन लेते हो तो आपकी नामर्दानगी ख़त्म होती है, आपके शरीर में अपूर्व बल की वृद्धि होती है, शरीर कांतिमय हो जाता है। यह बहुत ही अति बलशाली नपुंसकता को मिटाने वाला और सप्त धातु को पुष्ट करने वाला होता है। तो दोस्तों इसके पौधे लता को देख करके आप पहचान लीजिए और इसके कंद को खोद करके प्रयोग कीजिए, आप बहुत ही जल्द इससे फ़ायदा लेने लग जाओगे। दोस्तों किसी भी प्रकार के दर्द को मिटाने के लिए आप इसके कंद को आग में भूनकर भी खा सकते हैं, आग में भूनने के बाद उसे शहद मिलाकर के खा सकते हैं। ऐसा करने पर यह कंद आपको बलशाली तो बनाएगा ही, साथ में साथ आपके शरीर के जितने भी दर्द रहेंगे उसको हर लेगा। यह बहुत ही दर्द निवारक और बल देने वाला औषधि कंद है। तो आप इस कंद का भरपूर प्रयोग कीजिए, आग में भून कर कीजिए, चाहे सुखा करके पाउडर करके कीजिए, चाहे कच्चा खाइए, किसी भी तरीका से खा सकते हैं, इसका असर आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको हर जगह पा सकते हैं, कहीं भी इसको ढूंढोगे तो ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव देहात में, जंगलों में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके कंद को खोदिए और प्रयोग करके देखिए ना, उसके बाद डिसलाइक कीजिए वीडियो को, उसके बाद कहिए कि ये फेक है, ये गलत है। पहले आप डिसलाइक कर देते हो, प्रयोग तो करते नहीं हो, प्रयोग कीजिए, अगर फ़ायदा ना हो तो बोलना। अगर दोस्तों आज के वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्रयोग ज़रूर करें और खुश रहें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।